ओम सायराम दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश नवन। मैं साइंस ट्रस्ट की डिजिटल क्रिएटर्स टीम से हूं और आज हम आए हैं साइंस ट्रस्ट के जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, एक अपना योगदान दे रहे हैं, श्वेता श्रीवास्तव जी से मिलने। नमस्कार, ओम सायराम। मैं श्वेता श्रीवास्तव आगरा से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रही हूँ और पिछले 20 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। टीचिंग करती मैं एक शिक्षिका हूँ। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि मैम, आपकी इस ट्रस्ट के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आज आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो उस जर्नी के बारे में बताइए प्लीज मैम। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि हम श्री साईं आश्रय ट्रस्ट पे 3 उद्देश्यों को लेकर के काम करते हैं। पहला उद्देश्य हमारा फूड, दूसरा एजुकेशन और तीसरा ह्यूमैनिटी। तो फूड को लेकर के अगर मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहूँ, तो फूड बहुत सालों पहले की बात है। हमारे आसपास जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, कभी आसपास कोई कुछ मांगने के लिए आता है, ऐसे ही कोई एक बच्ची थी। बहुत उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि उसको भूख लगी है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। ऐसी एक बच्ची हमारे घर के आसपास से गुजर रही थी। मैंने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि बेटा, आपको खाना खाना है, आपको भूख लगी है? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे भूख तो लगी है लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे घर पर 2 भाई बहन हैं, वो भी बहुत दिनों से भूखे हैं, उन्होंने भी पेट भर के खाना नहीं खाया। मैंने उसको अपने घर पर बुलाया, अंदर बिठाया और उसको खाने के लिए खाना पेट भर के खिलाया और उसके भाई बहनों के लिए भी खाना दिया। वो दिन था, वो वाक्या था, तो मुझे वो वाक्या बहुत 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 दिनों तक मेरी अंदरूनी आत्मा तक पहुँच गया। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जो खुद भूखे हैं, भाई बहन भूखे हैं, लेकिन फिर भी बोलने को तैयार नहीं है कि हमें भूख लगी है। उस दिन के बाद हमने यही सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ भी ज़रूरतमंद के लिए, किसी के लिए भी कुछ किया जाए, तो वो जर्नी शुरू करेंगे। तो ईश्वर की कुछ कृपा ऐसी हुई कि ऐसा जर्नी शुरू हुई, साईं आश्रय बना, वहाँ शुरुआत हुई। 20-30 बच्चों से शुरू किया था। यहाँ पर खाना खाने के लिए छोटे बच्चे आते थे, हफ्ते में एक दिन गुरुवार को सुबह प्रसादी के रूप में खाना खा के जाते थे और घर जा कर के बस यही बोलते रहते थे, खाना बहुत अच्छा था, भगवान ने हमको बहुत अच्छा खाना दिया, आज ये बना था, आज वो बना था। पूरे हफ्ते उस खाने की बात करते थे और पूरे हफ्ते गुरुवार का इंतज़ार किया करते थे। उस दिन से फिर थोड़ा ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि एक दिन श्री साईं आश्रय बना और आज हमारे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग रोज़ खाना खा रहे हैं। तो मैम, जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो उस जर्नी में अभी आप बता रहे थे कि आपकी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई, आपने उस बच्चे को खाना खिलाया, तो आपने इस जर्नी के कॉन्वर्जेशन में जो आपने बताया उसमें मोटोज के बारे में मेंशन किया, तो मैम आप मेरे को बताना चाहेंगे कि आपके साईंस ट्रस्ट के जो मोटोज हैं वो क्या क्या हैं और उनका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपने को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूंगी। तो हमारे श्री साईं आश्रय के मुख्य जो उद्देश्य हैं, पर 3 चीज़ों पर काम करते हैं, फूड, एजुकेशन और ह्यूमैनिटी। फूड को कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये हमारा उद्देश्य है। हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, ये हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो अनप्रिविलेज्ड है, जो ज़रूरतमंद है, जिनको स्कूलों में कई कारणों की वजह से एडमिशन्स नहीं मिल पाती है, उनको शिक्षा मिले। और ह्यूमैनिटी, जहाँ इंसानियत हमारे पास नहीं आ पाती, हम उनके पास जा कर के ह्यूमैनिटी का काम करते हैं। बहुत सारे पेड़ लगाने का काम भी हम कर रहे हैं, करोड़ों पेड़ लगाने की भी मुहिम है, तो इस मुहिम पर हम काम करते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य। मैंने जो पिछला पॉडकास्ट शूट किया था मिस्टर प्रधान सर से, बीते जो आपका जो इवनिंग में बैच चलता है, बिल्कुल, जिसमें आप बड़े जो 6th, 8th और 9th के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि आपका जो शिक्षालय का आइडिया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, ये आइडिया आपको आया कहाँ से, इसके बारे में बताना चाहेंगे? शिक्षालय हमारे स्कूल का नाम है, ये ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, 4-5 महीने पहले पुरानी बात है। 11 बच्चे स्कूल जाने लगे, उनके पास आधार कार्ड नहीं था, बहुत खुश थे बच्चे, बहुत खुश थे, टीचर्स भी खुश थी कि ये ऐसे बच्चे आ रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। बट कुछ अकस्मात ऐसा हुआ कि उन लोगों को, टीचरों को ऊपर से ऑर्डर आते हैं
कि जिनके पास सर्टिफिकेट्स या किसी कोई कागजात नहीं है उनको स्कूल में नहीं रखा जाएगा। एक स्कूल एक दिन था, मुझे आज भी वो दिन याद है, वो दिन सुबह के वो 11 बच्चे स्कूल गए, उन 11 के 11 बच्चों को स्कूल से गेट से ही बाहर निकाल दिया गया और वो बच्चे रोते रोते मेरे पास आंखों में, उन सारे 11 बच्चों की आंखों में आंसू थे, जिन्होंने एक ऐसी खुशी देख ली थी जो कभी देख नहीं सकते थे, क्योंकि आधार कार्ड ही नहीं, आधार कार्ड सबसे बड़ी ज़रूरत है कहीं पर भी एजुकेशन करने की, कुछ भी चीज़ करने की। वो आकर के वो रोए, बहुत रोए, फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे ईश्वर का चमत्कार हुआ, जो हुआ वो आपके सामने है। आज हमारे पास शिक्षालय है और यहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और आए और पढ़कर चले गए। उनके पास, ज़्यादा बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। जो लोग मूविंग स्लम में रहते हैं, मूविंग स्लम में घूमते हैं, बिहार और बंगाल से आ जाते हैं, जो एक छोटा बच्चा, उसका बड़ा बच्चा, उसका भाई, उसकी बड़ी बहन, इतनी बड़ी बहन कि वो 12-13 साल के हैं, लेकिन उनके पास ना ही एजुकेशन थी और ना ही आधार कार्ड थे। वो बच्चे ज्यादातर बच्चे हैं जो अपने पास शिक्षालय में पढ़ाई कर रहे हैं। अगला सवाल ये है कि मैं प्रधान सर से मिला था, उन्होंने प्रसाद आलय के बारे में मेरे को बताया था, तो आप एक बार प्रसाद आलय के बारे में बताएंगे कि कितने लोग रोज खाना खाते हैं और जब आप उनको इतने प्यार से सर्व करते हो, खाना खिलाते हो, तो उनको कैसा फील होता है, आपको कैसा फील होता है, इसके बारे में बताएंगे प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है ये। ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछा करते हैं, क्योंकि जो लोग जिनके पास खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना नहीं था और आज हम उनको दोनों टाइम खाना खिला रहे हैं, उनको खाना खिला के उन्हें कैसा लगता है इसका तो एहसास मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे कैसा लगता है उन्हें खिला के, जैसा एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिला के लगता है, मुझे उसी प्रकार हर रोज, हर क्षण, हर पल मुझे वैसा ही महसूस होता है जैसे मेरा बच्चा भूखा है और मैं उसे अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ। और यहाँ पर प्रसाद आलय में रोज 1000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। सुबह हम 8 से 11 और शाम को 5 से 8 प्रसादी चलाते हैं। प्रसादी में चावल और रोटी हमारी रोज चलती है, सब्जी, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, काम करने वाले सभी लोग हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, सभी चीज़ों को देखते हुए कभी हम दाल, कभी उड़द की दाल, कभी मसूर की दाल, छोले, राजमा, कड़ी, सब चीज़ रखते हैं। और हर गुरुवार को हमारे यहाँ प्रसादी में खीर या हलवा बनता है और सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं और सभी फेस्टिवल्स पे मिठाई, स्वीट्स और जैसा बच्चे बोलते हैं वैसा प्रसाद उनको खिलाया जाता है, ईश्वर की कृपा से। तो मैम, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और थैंक यू जो आपने अपने कीमती समय में से मेरे को आपने कुछ क्षण दिए। तो मेरा आपसे यही आखिरी सवाल है कि आप जो मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर्स के लिए जिन्होंने लाइफ में बहुत अचीव कर लिया है बट वो क्या एक हैप्पीनेस नहीं पा पा रहे, मतलब उनको हैप्पी फील नहीं हो रहा, मिल नहीं पा रही है, उनके पास सारी चीजें हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब आपसे जुड़ के अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आपको वही बताना चाहूंगी जो मैंने सीखा है मेरे गुरु से कि काम ही पूजा है, काम कीजिए, सेवा कीजिए, आइए आकर हमारे साथ अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालिए, कुछ जरूरतमंद जिन्हें आपकी जरूरत है आकर के उनका हाथ बटाइए, शायद कल को वो भी वहां पर बैठे हों जहां आज मैं बैठी हूँ, जहां आज आप हैं, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे सुंदर देश के लिए आइए आकर के अपना कीमती समय, अपना हाथ बटाइए, हमें अपना कीमती समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, अपना कीमती समय हमारे श्री साईं आश्रय की जर्नी जानने के लिए दिया,